नमस्कार दोस्तों, ललिता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज फिर आई हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैंने बनाई है टिंडे की सब्ज़ी, और जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और जो खाने में बहुत टेस्टी बनी है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 500 ग्राम टिंडे ले लिए हैं और उन्हें मैंने अच्छे से धो लिया और धोकर छील लिया। और छीलने के बाद मैंने एक टिंडे की 4 फांके बनाई हैं। अगर आपके टिंडे बड़े हैं तो आप अपने हिसाब से टिंडे काट सकते हैं। और अब मैंने ये 2-3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ले लिया और एक कुकर में से डाल दिया। कुकर हमारा गर्म हो गया है तो अब मैंने डाली है इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी। और देखिए हल्दी हो गई है तो इसमें हम टिंडे डाल देंगे। और आधा चम्मच से कम मैंने इसके अंदर नमक डाला है और इसे हम अच्छे से चला देंगे। और अब मैंने इसमें डाला है आधी कड़छी पानी और इसमें 2 सीटी लगा लेंगे। और देखिए 2 सीटी आने के बाद मैंने टिंडों को एक बर्तन में निकाल लिया और जो एक्स्ट्रा पानी था उसे भी निकाल दिया। अब मैंने ले लिए हैं 3 टमाटर और इनकी हम मिक्सी के जार के अंदर प्यूरी बना लेंगे। और टमाटर पीसने के बाद ये मैंने एक पैन ले लिया है। मैंने आधी कड़छी ऑयल डाला है और ऑयल गर्म हो गया है थोड़ा सा, तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया। और जीरा हमारा चटकने लगा है तो इसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच हींग डाली है। हींग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ सौंफ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची और पिसे हुए टमाटर डाल देंगे। मैंने 2 हरी मिर्च ले ली थी जिन्हें लंबा काट लिया, वो भी इसके अंदर डाल दी हैं। और टमाटर की प्यूरी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। और देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी है 1 चम्मच भर के कस्तूरी मेथी, इसको मैंने क्रश नहीं किया है, ऐसे ही डाला है। और टमाटर की प्यूरी को चलाते हुए हम लगातार पका लेंगे। और देखिए 3 से 4 मिनट में ये पक गई है और रिफाइंड ऑयल इसने छोड़ दिया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था जब अपने टिंडे हमने उबाले थे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इन्हें सरसों के तेल में बना सकते हैं। वैसे मैं सारी सब्ज़ियाँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, आज मैंने रिफाइंड में बनाई है। और देखिए टमाटर की प्यूरी हमारी तैयार है और इसके अंदर अब मैंने टिंडे डाल दिए हैं जो हमारे पहले से ही उबले हैं। यकीन मानिए ये टिंडे बहुत अच्छे बने हैं। और अब मैंने 4-5 चम्मच मलाई ले ली है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया। और इनको हम टिंडे के ऊपर डाल देंगे तो हमारे टिंडे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए मैंने मलाई को डाल दिया है और टिंडों को बहुत अच्छे से भून दिया है। और अब इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया भी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और हरे धनिया को हम अच्छे से मिला देंगे। और एक मैंने बाउल ले लिया है, टिंडे हमारे तैयार हैं और इसमें हम इन्हें टिंडों को निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बहुत अच्छे टिंडे बने हैं। और एक बार आप मेरी रेसिपी से टिंडे बनाकर देखिए तो आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप अपने कमेंट में मुझे मेरी कमियां बता सकते हैं कि मेरी वीडियो के अंदर मेरी क्या कमी है, क्या गलती है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे अपने अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।